खजुराहो से निजामुद्दीन के लिए मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो स्टेशन पर मौजूद रहे। शर्मा ने यह भी कहा कि यह ट्रेन मोदी की गारंटी का सबूत है। मध्य प्रदेश को चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। ये वंदे भारत बुंदेलखंड के खजुराहो से निजामुद्दीन तक दौड़ेगी। मंगलवार को वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को खजुराहो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा खजुराहो स्टेशन पर मौजूद रहे। खजुराहो से चलकर ये ट्रेन थोड़ी ही देर में छतरपुर स्टेशन पहुंची, जहां वंदे भारत का उत्साह के साथ वेलकम हुआ। खजुराहो से निजामुद्दीन के लिए ये ट्रेन 15 मार्च से प्रतिदिन रफ्तार भरेगी। इस वंदे भारत के चलने से विश्व पर्यटन नगरी का दीदार करने आने वाले पर्यटकों को खासा फायदा होगा। खजुराहो में सांसद वीडी शर्मा और छतरपुर स्टेशन पर सांसद वीरेन खटिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इस मौके पर कलेक्टर संदीप जी आर, SP अमित सांगी सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का देश को समर्पित की है, उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो लोकसभा को बुंदेलखंड क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहां पर कहा था, जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये नई सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये रेल कनेक्टिविटी केवल मात्र ट्रेन की सुविधा नहीं है, ये विकास के नए आयाम खड़े करेगी। औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी ट्रेन का आना, हाईवेज के निर्माण के साथ खजुराहो बुंदेलखंड का कनेक्ट होना, एयर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में नई सौगातें मिलना, ये साबित करता है कि आगामी समय में अपने बुंदेलखंड में खजुराहो के क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और विकास को एक नए आयाम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।